स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। अल जजीरा का ये आर्टिकल है जिसमें ये कह रहे हैं हमें 10 मिनट दो 10 मिनट। ये कब का है? 15 मई 2021 का है। और हुआ क्या था? हुआ ये था कि इजराइल ने गाजा में इसके हेडक्वार्टर को उड़ा दिया था और तब बहुत ज्यादा हाय तौबा मच गया था। पर अब इजराइल ने अल जजीरा को अपने देश में बंद करने का आदेश दे दिया है। न सिर्फ इतना बल्कि बंद करने के ऑर्डर के साथ साथ जब इजरायली टीम पहुंची तो उन्होंने क्या कुछ किया है। वैसे आपको बता दें, ये छोटी सी खबर आपको लग रही होगी लेकिन ये छोटी सी खबर नहीं है। क्या कतर के ऊपर कुछ ऐसे एग्रीमेंट हो रहे हैं या दबाव बनाया जा रहा है कि हमास के लीडर परेशान हो गए हैं? जानेंगे क्या है मामला, अमेरिका ने आखिर ऐसा कौन सा नया खेल खेला है, तो क्या अल जजीरा को जिस तरीके से कई सारे देशों ने बंद किया है क्या भारत भी बंद कर सकता है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अल जजीरा का जो ये आपने आर्टिकल देखा, ये पिछली बार जब लड़ाई शुरू हुई थी अलगसा के कांड के बाद, तो उस समय एक हेडक्वार्टर था गाजा में अल जजीरा का, और इजराइल का कहना था कि हमने उस हेडक्वार्टर को इसलिए उड़ाया क्योंकि वहां पे हमास का ऑफिस था। और अल जजीरा का कहना था कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इजराइल ने कहा कि हमने वहां पे निकलने के लिए लोगों को वक्त दिया था। तब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था, दुनिया भर में इसको लेकर कहा भी गया था कि एक मीडिया को आप ख़त्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मीडिया पर हमला करना तो कहीं से भी नियम के अनुसार नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर इजराइल यहाँ पर रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? उसके पीछे 2021-2020 नहीं बल्कि 2008 से अल जजीरा और इजराइल के बीच में टेंशन चलती रही है। और बात करें अल जजीरा की, तो अल जजीरा का एक नहीं बल्कि कई देशों के साथ इनका पंगा रहा है। बात करें ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया, बहरीन तो बहरीन, इजिप्ट, UAE, अमेरिका, कई सारे देश, भारत, इन सब में लिस्ट में शामिल हैं। इन देशों के साथ अल जजीरा के पंगे होते रहे। और इन देशों में ज्यादातर पंगे किस बात को होते रहे? इस बात को होता रहा कि इनके जो इन्फॉर्मेशन रहता है उस इन्फॉर्मेशन से हिंसा भड़कने की, उकसाने जैसी चीजें रहती हैं। अल्जीरिया ने 1999 में, ऑस्ट्रेलिया ने 2019 में, बांग्लादेश ने 2012 में, बहरीन ने 2010 में, इजिप्ट ने 2010 में, बहुत सारे पंगे इनके हर देश के साथ रहे हैं। भारत के साथ भी 2015, जिसमें भारत ने इस चैनल को 5 दिनों के लिए बैन कर दिया था क्योंकि इन्होंने जो मैप दिखलाया था वो मैप गलत दिखलाया था। कई बार ये जम्मू कश्मीर को अलग अलग दिखा देते थे, तो वहीं कई बार ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भारत से अलग दिखला देते थे। इराक के युद्ध में भी यही सारी सीन हुई थी जिसकी वजह से अल जजीरा को लेकर कई देशों ने बैन लगा रखा है। और अल जजीरा को बैन लगा रखने वाले देशों में सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट, ये सारे देश आते हैं। अब इसी क्रम में इजराइल ने एक बड़ा फैसला लिया और इजराइल ने के कैबिनेट ने अप्रूवल दिया। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि इजराइल के संसद में बहुत ज्यादा एकता है। इजराइल की संसद में जब बिल को रखा गया तो कहा गया कि ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और कहा गया कि सर्वसम्मति से इस बिल को पास कर दिया गया कि अल जजीरा को बंद कर देना चाहिए। अब अल जजीरा को फिलहाल के लिए 45 दिनों के लिए बंद कर दिया गया और इनके इक्विपमेंट्स वगैरह तब कहा जा रहा है कि सीज कर लिया गया। सादे ड्रेस में इजरायली पुलिस कथित तौर पर इनके ऑफिस में पहुंची और इन्होंने बाकी सारी चीजों को सीज कर लिया। हालांकि अल जजीरा का ये कहना है कि आप हमें रोक नहीं सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे चीजों को और कानूनी मदद भी लेंगे। पर क्या बस यही एक खबर है? सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में
जब ये एक्शन लिया जा रहा है तो धीरे धीरे दुनिया को अब आदत होने लगी है, अब बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं मचता है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि क्या सचमुच में कोई एक गेम चल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, द टाइम्स ऑफ इजराइल का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है कतर से, 4 मई 2024 का ये आर्टिकल है कि आप हमास के लीडरों को अपने देश से निकलने के लिए कह दो। वहीं द डॉन की इस खबर को देख सकते हैं कि कतर इस चीज को कंसीडर कर रहा है कि हमास के ऑफिस को दोहा में बंद कर दिया जाए। अब इससे होगा क्या? कहा जा रहा है कि कतर हमास के निष्कासन की तैयारी कर रहा है क्योंकि बार बार युद्ध विराम का प्रस्ताव फेल हो जा रहा है, और ये प्रस्ताव जैसे जैसे फेल हो रहा है अमेरिका नहीं चाहता है कि और ज्यादा समस्या बढ़े, ये सारा चीज हल हो जाए अमेरिका ये चाहता है, आलोचना न हो, इसकी वजह से कहा जाता है कि कतर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप यहाँ पर ऐसा कीजिए कि हमास के टॉप के लीडरों को बाहर कर दीजिए। अभी हाल फिलहाल में क्या देखा गया, आपने अगर नोटिस किया होगा तो हमास के लीडर तुर्की पहुँच रहे हैं और तुर्की में ये मुलाकातें कर रहे हैं। हाल फिलहाल में हमास के टॉप के लीडर अर्दोगन से मिले भी थे और उस समय अर्दोगन के तरफ से ये आया था कि जितने भी फिलिस्तीनी हैं सबको एक होकर रहना चाहिए। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। माना जा रहा है कि अगर कतर अपने यहाँ ऑफ करता है, बंद करता है ऑफिस को, तो हमास के लीडर तुर्की में शरण ले सकते हैं। कारण ये है कि 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ था तब इजराइल ने एक कसम खाई थी और इजराइल ने कहा था कि चाहे हमास के लीडर दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम उन्हें ढूंढेंगे और हम उन्हें मारेंगे। और तब जाकर ये तब तक सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं जब तक कि ये कतर में है। अगर कतर से बाहर आ गए तो इनके लिए सुरक्षा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी वजह से ही ये तुर्की में कई सारी मुलाकातें कर रहे हैं ताकि अगला शरण ये तुर्की में ले सकें और तुर्की की जो एजेंसी है वो इनकी सुरक्षा कर सके। हालांकि तुर्की की एजेंसी भी अपने आप में काफी मजबूत है और ये सचमुच में सुरक्षा करने में काफी बेहतरीन है। इसके कई पहले भी एग्जाम्पल देखने को मिल चुके हैं। इजराइल की मोसाद और तुर्की की एजेंसी के बीच में कई बार लुका छिपी चूहे बिल्ली का खेल चला है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि कतर के इस कदम के बाद एक फुल फ्रीडम मिल जाएगा इजराइल को और इजराइल यहाँ कुछ बड़ा एक्शन ले सकता है। अब अल जजीरा का जिस तरीके से ऑफिस बंद हुआ है, ये भी माना जा रहा है कि बहुत सारी बातें जो युद्ध से रिलेटेड थी वो निकल कर बाहर आनी मुश्किल होगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।